जय पीरां दी दोस्तों, अज असीं तुहानूं इक ऐसे पीर बाबा दी कहानी दसांगे जिन्हां दी उम्र 802 साल 13 दिन दी होई आ अते इन्हां दीआं बकरियां नूं शेर चारिया करदा सी। सुन के बड़ी हैरानी हुंदी आ, पर ये गल बिल्कुल सच आ। ये पीर बाबा कौन सन? आओ इक मन इक चित होके इन्हां दी सच्ची कहानी नूं सरवण करिए। साध संगत जी, पीर बाबा बुढ़न शाह जी जिन्हां दा दरबार कीरतपुर साहब दियां पहाड़ियां दे विच बनिया होया है, ते असी अज भी जाके इन्हां दे दरबार दे दर्शन कर सकते हाँ। पीर बाबा बुढ़न शाह जी एक सूफी संत सूफी फकीर होए हन जिन्हां दी उम्र 802 साल 13 दिन दी होई आ। कहिंदे हन के साईं जी ने बकरियां रखियां होईयां सन, ते अल्लाह दा ऐसा कमाल ऐसा कर्म के इन्हां दीआं बकरियां नूं कोई इंसान नहीं सी चारदा, सगों इक शेर चारदा सी। सुन के बड़ी हैरानी हुंदी आ, पर ये गल बिल्कुल सच है। सचमुच ही पीर बाबा बुढ़न शाह जी दीआं बकरियां नूं शेर चारिया करदा सी। दस्या जांदा है कि पीर बाबा बुढ़न शाह जी दी मुलाकात साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नाल भी होई सी। जिस वक्त श्री गुरु नानक देव जी मणिकरण साहब तों करतारपुर नूं जा रहे सन, तां रास्ते दे विच उन्हां दी मुलाकात पीर बाबा बुढ़न शाह जी दे नाल होई। जिस वक्त श्री गुरु नानक देव जी महाराज कीरतपुर साहब दी धरती ते आए, तां उन्हां नूं पता लग्गिया कि कोई फकर फकीर साडे इंतजार विच है, तां अज असीं उहदे नाल मेल मिलाप करन चलदे हां। जिस वक्त श्री गुरु नानक देव जी महाराज पीर बाबा बुढ़न शाह जी दे कोल पहुंचे, तां साईं जी ने हाथ जोड़ के बड़े ही प्यार ते अदब दे नाल कहा, धन भाग तू निरंकार, अज मेरी तपस्या अज मेरी बंदगी सफल होई। साईं जी ने कहा कि मैं तुहाडे ही इंतजार विच बैठा सी। साईं जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी दिलों सेवा करना चाहते सन, इस लई साईं जी ने जेड़ियां बकरियां रखियां होईयां सन उन्हां दा दुध चोया ते छिप्पी भर के श्री गुरु नानक देव जी महाराज सामने पेश कीता ते कहा, सच्चे पातशाह जी दुध छको। तां श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि साईं जी तुहाडी सेवा परवान आ, पर हुण ये दुध मेरे साथी बाला अते मर्दाना पीणगे, पर जेड़ा साडा दुध आ उह तुसी सांभ के रख लाओ, ये दुध असीं छेवे जामे दे विच आके छकांगे। साईं जी ने हुक्म मन के धरती दे विच इक टोआ पुटिया ते श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी इमानत कह के उह दुध धरती दे विच दब दिता। दुध दब के आप साईं जी उत्थे बंदगी करन लग पए। समा गुजरदिआं गुजरदिआं 121 साल लंघ गए, ते जदों छेवीं जोत गुरु साहब आए, तां उन्हां दे सपुत्र धन धन बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का जो वर मंगिया सो वर दित्ता। उन्हां दी ड्यूटी लाई के पीर बाबा बुढ़न शाह जी कोल साडी अमानत है, जाओ जाके दुध छको ते उन्हां नूं निहाल करो। जिस वक्त धन धन बाबा गुरदित्ता जी पीर बाबा बुढ़न शाह जी कोल पहुंचे, तां जाके दुध मंगिया के लियाओ साईं जी साडी अमानत, सानू दुध छका दिओ। साईं जी बंदगी करदे आ उत्थे काफी समा हो गया सी, उन्हां दी अखां दे बाल भी धरती नूं लगदे सन। जदों उन्हां ने अखां दे वालां नूं परे हटा के देखिया, तां उन्हें कहा, सच्चे पातशाह जे तुसी दुध पीना चाहुंदे हो तां पहला मैनूं उही वाला रूप दिखाओ। जदों साईं जी ने अखां बंद कीतियां तां सच्चे पातशाह जी ने उही पहले वाला रूप दिखाया, ता पीर बाबा बुढ़न शाह जी ने हाल हो गए, ते ओ उसे जगह ते गए जिथे उन्हां ने दुध रखिया होया सी। उस जगह नूं पुटिया ते दुध कढ़िया, ओ दुध उमेदाई सी जिवें 121 साल पहला उन्हां ने धरती दे विच रखिया सी। उन्हां ने दुध धन धन बाबा गुरदित्ता जी नूं छकाया, ते इस तों बाद साईं जी सच्चे पातशाह नूं दुध छका के निहाल हो गए। साध संगत जी,
पीर बाबा बुढ़न शाह जी की उम्र 802 साल 13 दिन की हुई आ, ते जिन्हां दे विचों 775 साल उन्हें सिर्फ बंदगी ही कीती आ, ते अज भी कीरतपुर साहब दी पहाड़ियां दे विच इन्हां दा उच्चा ते सुच्चा दरबार बनिया होया है। इन्हां दे दरबार ते जाके हर मुराद हर मंग पूरी हुंदी आ। सो साईं बुढ़न शाह जी तुहाडियां सारिआं दीआं मुरादां पूरीआं करे।